मंच पर आसीन इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के माननीय वीसी श्री विनय पाठक जी, श्री श्रीनिवास महानकाली राव साहब, प्रोफेसर सुधीर अवस्थी प्रो वाइस चांसलर, प्रोफेसर बीबी वानी जी, श्री अशोक त्रिपाठी जी, डॉक्टर शिल्पा देश पांडे जी, श्री विवेक मिश्रा जी, वेस्ट मिश्र मित्रा जी, उपस्थित सभी आगंतुकगण, प्यारे बच्चों, कार्यक्रम शुरू होने से पहले संचालक महोदय ने एक सेंटेंस बोला था कि मैं जल्दी शुरू करता हूं क्योंकि आप लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। बात ठीक है, मुझको जल्दी आना था, लेकिन मैं तो टाइम से चला था। रास्ते में लखनऊ से कानपुर जाम मिल गया, फिर भी मात्र 10 मिनट लेट हुआ था पहले प्रोग्राम। अब उनके ऊपर था कब छोड़े, जब जैसे जब वीसी साहब छोड़ेंगे तभी मैं आगे जा पाऊंगा, ये मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा कि मैं विलंब से आया तो आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं है। तो मेरी मजबूरी के लिए आप माफ करेंगे। आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिसको आज दुनिया मानती है। जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, मोदी जी कहते हैं तो दुनिया मानती है, ऐसा मेरा नेता मोदी है। हमें गर्व है कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है इस देश को, जो आज पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है। चाहे प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए विषय हो या आधुनिकता के इस चैप्टर से आईटी, इनोवेशन, स्टार्टअप वगैरह वगैरह, नए कलेवर का हिंदुस्तान दिया, नए तेवर का हिंदुस्तान दिया। अभी फणी साहब ने कहा था कि मैं हिंदी में बोलूंगा, आपने बोला था ना हिंदी में, मातृभाषा में बोलना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए अपनी मातृभाषा। और एक उदाहरण दूंगा मैं फ्रांस का, बात के आपके विषय पर बाद में आऊंगा। जब और उसमें मोदी जी का पर्सनैलिटी कितनी बड़ी, और हमको मोदी जी ने क्या दिया, इस आम हिंदुस्तानी को मोदी जी ने क्या दिया, यह भी ध्वनित होता है। और मातृभाषा के प्रति किसी देश के देशवासियों का स्वाभिमान भी प्रतीत होता है। हमको योगी जी ने भेजा था इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए पेरिस। 20 साल पहले पेरिस हमारे जीजा श्री भी गए थे, जो इंदौर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स के। उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहाँ पेरिस जा रहे हो, 20 साल पहले वो गए थे, उनको 20 साल पहले का अनुभव था। तो मैंने कहा कि इस तरीके से भेज रहे हैं योगी जी। बोले पेरिस कहाँ जा रहे हो, वहां तो हिंदुस्तानियों को बड़ी हिकारत से देखा जाता है, जब तुम कहोगे आई एम इंडियन तो ऐसे उपेक्षा से देखेंगे कि कहां से कौन आ गया। मैंने कहा खैर योगी जी का आदेश है, हम जाएंगे। गए वहां पर, इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत हुई, हमको नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। तो मैंने उनसे पूछा भी, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन यूपी, बोले बिकॉज देर इज योगी। अब वहां योगी, लेकिन इससे आगे सुनिए, वहां का परफ्यूम फेमस है,
मैंने कहा सोचा कि कुछ ले लेते अपने इष्ट मित्र आएंगे कि पेरिस से आए हो क्या लाए हो हमारे लिए तो यहाँ से लेके चलते हैं। एक दुकान पे पहुंचा मैं वहाँ बस शक्ल सूरत से फ्रेंच तो लग नहीं रहा था। एंटर हुआ तो जो सेल्स गर्ल्स थी उन्होंने पहले फ्रेंच में बात की, यानी वो लोग पहले फ्रेंच में बोलते हैं जब तक ये नहीं जानते कि सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता है तब तक फ्रेंच में बोलते हैं, अगर फ्रेंच नहीं जानता है तो इंग्लिश में बोलते हैं। ये उनका भाषा के प्रति स्वाभिमान जो हम में भी होना चाहिए। तो वो बोली फ्रॉम वेयर यू आर, अब मैं हिचका थोड़ा सा तो जीजा जी के सेंटेंस याद आए, लेकिन मुझे अपने देश पे नाज है। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। बोली ओह फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम, ये दिया है मेरे नेता ने। ऐसा महान नेता का आज जन्म है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि शतायु हो और हम सबको जैसा अब तक नेतृत्व दिया, एक आम हिंदुस्तानी का स्वाभिमान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, देश समृद्ध हुआ, एक नए कलेवर में आया, नए तेवर में आया, उनका वो नेतृत्व हमको मिलता रहे। आज एक जन्मदिन और भी है, जयंती विश्वकर्मा जी की। कौशल और कला की पूजा देवता के रूप में हमारे यहां होती रही, ये उस बात का प्रतीक है विश्वकर्मा जी की पूजा। आज भी उनका स्मरण, यह भी कौशल कला है जो अभी आप लोगों को स्टार्टअप की बात हो रही है, यह भी पूजा योग है। आईटी मैंने जो महसूस किया कि आदमी जहां तक सोच सकता है आईटी वहां तक जा सकता है, वो कर सकता है। जो इनोवेशन स्टार्टअप इज है, ये किसी भी काम को या तो नए ढंग से कर रहे हम, बिल्कुल कोई नई खोज लाए, या पुराने ढंग को ऐसा रिफाइंड कर दे जिससे उसमें इजाफा हो जाए। आप लोग नौजवान हैं, जब पढ़ते हैं तो कुछ नई नई सोच भी आती है। न्यूटन के दिमाग में ही क्यों आया कि सेब ऊपर से नीचे गिर रहा, कि क्यों ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, आप लोगों के दिमाग में भी ऐसी बातें आती हैं। एडिसन ने क्यों देखा कि पतंग करते में वो लोहे का चिपका हुआ था तो करंट आया, इसका मतलब उसमें है कुछ। जेम्स वाट को क्यों लगा कि केतली का जब ढक्कन बार बार उछल रहा है तो इसमें जो भाप बन रही है इसमें शक्ति है। ये सोच उसकी, और सोच को जब रूप मिला तो आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि बिना बिजली के कुछ हो सकता होगा क्या। न्यूटन्स लॉ के तो पूरी विज्ञान टिका हुआ है, और स्टीम की तो ताकत हम सब जानते ही हैं। तो ये जो नए सोच है आपके पास, वो कभी कभी मर जाते हैं। कुछ सपने होते हैं नौजवानों के दिल में, सोच होता है लेकिन मर जाता है, या तो हिम्मत नहीं जुटा पाते कुछ नया करने की, नया बताने की, नया जताने की, या उनको प्रमोट नहीं कर पाता कोई, कहीं आर्थिक अभाव में, कहीं पारिवारिक सामाजिक अभाव में। लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए, नहीं उससे अगर टूटते हैं तो नहीं अपने आप को निराश महसूस करना चाहिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, ये जीवन तो चरैवती चरैवती है। हमको कुछ करने के लिए कुछ जूझना पड़ेगा। अभी कुछ टिप्स
पैशन से लगते हैं तो काम पूरा होता है, ये उनके अंदर एक क्वालिटी है जो मैं भी सीखता हूं उनसे कभी कभी कि ऐसा होना चाहिए। तो आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व की सरपरस्ती आपको मिल रही है और उन्होंने इन्वाइट किया है यहां पर एक संस्था को जिससे आपसे जोड़ा है। मैं कोशिश करूंगा और VCs को भी कहूं कि ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे इस यूथ को नई दिशा मिले, नई दिशा मिलेगी, दशा सुधरेगी, उनकी ही नहीं देश की सुधरेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की कल्पना करते हैं, इससे पहले देश की क्या स्थिति थी? मोदी जी के आने से पहले घोटालों का देश कहलाता था, हर रोज नया घोटाला, लाखों लाख करोड़ का घोटाला निकलता था। आज एक नया भारत पैदा हुआ है, 10 साल के अंदर कैसा परिवर्तन किया उन्होंने देश का। यहां सभी बिरादरी के लोग बैठे होंगे, मुझे पीड़ा हुई है पिछले चुनाव में यह सोचकर कि जिसने देश को इतना बड़ा दिया, देशवासियों को कितना बड़ा दिया, सम्मान स्वाभिमान, जब फ्रेंच लेडी कहती ओ यू आर फ्रॉम मोदी स्टेट, यह दिया है हमको, और जब चुनाव आता है वो चुनावी राजनीति भाषण नहीं दे रहा लेकिन एक सोच दे रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर शिक्षक भी हैं, बच्चे भी हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास बैठी है, वो सोच दे रहा हूं किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को। कहां भटक गए भ्रम जाल में, किन लोगों ने फैलाया, कौन लोग उनके पीछे खड़े हैं, किन लोग सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रवाद कहां खो गया इस जातिवाद में, ये हम लोगों को देखना होगा, नई युवा पीढ़ी को देखना होगा, स्टूडेंट्स को देखना होगा। स्टूडेंट्स होमोजीनियस बॉडी होती है, हेट्रोजीनियस है, इनको सोचना होगा। कौन लोग हैं जो गणेश पूजा अभी हाल पे चल रही है पत्थर फेंकते हैं, कौन से शिक्षण संस्थान है उनके पीछे, कौन सी शिक्षा है, कौन से वो शिक्षक है जो ऐसी बातें सिखाते हैं बिल्कुल नौजवानों को, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चों को, क्यों रेल की पटरियां उखड़वाते हैं उनसे, देश को कहां ले जाना चाहते हैं, और उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं, क्या उन लोगों को ताकत देनी चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यह भी सोचना बुद्धिजीवी का काम है। आप सब बुद्धिजीवी में जाति में नहीं बढ़ना, हमारा धर्म हमको जोड़ना सिखाता है। अभी इसमें आया था सेंटेंस, फणी जी ने कहा कि अपना वसुधैव कुटुंबकम है इसमें छिपा हुआ, क्या था वो लास्ट आपका चले गए, क्या था फणी जी जब आपने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, हाँ वन वर्ल्ड वन फैमिली एक लाइन आई थी, वही हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच है, जो फलसफा है वो था उसमें। और कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, तो मित्रों आप लोगों को जहां स्टार्टअप में इनोवेशंस में आगे आना होगा, मिलकर चलना होगा, वहीं ये भी ध्यान रखना होगा इस देश को हमको ही बनाना है। विकसित भारत की कल्पना यदि मेरा नेता करता है तो इस युवा पीढ़ी की बदौलत करता है, बैठे हुए इन विश्वविद्यालयों की बदौलत करता है, ये विश्वविद्यालय
से उस सोच के लोग ना निकले जो दूसरी सोच को बढ़ावा देते हैं। क्या मिलता है युवा पीढ़ी को शेष अवकाल को इधर उधर भटकाने से, और कौन लोग खड़े हो जाते हैं उन लोगों के पीछे? यह तय करना भी इतना विवेक भी होना चाहिए, बुद्धि हरेक के पास होती है, विवेक भी जागृत करना चाहिए। एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है यहां पर, उसके लिए वीसी साहब को बधाई, यहाँ के स्टाफ को बधाई, बच्चों को बधाई, और मैं कोशिश करूंगा कि